हम आपको दिखा रहे हैं ये एक दिन का चूज़ा, और देखिए ये इसके ब्रूडिंग का प्रोसेस, इसको गोल टीना के साथ बनाया गया है और नीचे की भूसी देकर के ऊपर से पेपर अखबार डाल दिया गया है। और ये जैसा मौसम होता है, अगर मौसम ज़्यादा ठंडा हो तो 2 से 3 दिन इसको इस तरह से रखते हैं, और अगर मौसम गर्म हो, आर्द्रता ज़्यादा हो, तो ये एक दिन या हार्डली 2 दिन इसको इस तरीके से रख सकते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर भी है, और देखिए सभी दाने जो हैं वो दे दिए गए हैं अभी पेपर के ऊपर, उसको खा रहे हैं शाम तक में, इनके फीडर में इनको उनका खाना जो है दाना दिया जाएगा। और ये एक दिन का चूज़ा है, इस तरीके से इसको इसकी ब्रूडिंग की गई है। इससे फ़ायदा ये होता है कि एक छोटे सीमित क्षेत्र में ही ये चूज़े रहते हैं, और जो गर्मी चाहिए जिनको, अभी इनको तो बहुत ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत है, तो वो गर्मी जो है उस सीमित क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हो पाती है। अगर इसी को फैला दिया जाए तो ये तो रह जाएंगे, लेकिन वो गर्मी इनको नहीं मिल पाएगी। तो देखिए ये फार्म है, और ये सारे पर्दे गिरा दिए गए हैं ताकि, क्योंकि एक दिन का छोटा चूज़ा है तो ये ज़रूरी है कि इनको गर्मी दी जाए। अगर गर्मी नहीं पड़ेगी तो ये चूज़े बीमार पड़ सकते हैं और फिर नुकसान हो सकता है। ठीक है, ये है प्यारे प्यारे छोटे छोटे चूज़े। तो इस तरीके से इन चूज़ों की ब्रूडिंग की गई है, और उसके बाद इसे कल या परसों इस गोलवे को हटा दिया जाएगा और फिर इनको फैला दिया जाएगा पूरे फार्म में, यहाँ से लेकर के बिल्कुल वहाँ तक में जहाँ ये आराम से दौड़ेंगे कूदेंगे, और इनकी ज़िंदगी जो है वो चलती रहेगी।